दस दी कि लुधियाणा दे विच एक बार फिर तो सनसनी फैली हुई है। पंजाब के लुधियाणा दे विच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जाली पैड की सीनियर लीडरशिप के फेक साइन वाला एक लैटर तेजी के नाल सोशल मीडिया से फायर हो रहा है। दस दी कि इस लैटर पैड के विधायक संजय तलवार, राकेश पांडे, सुरेंद्र डावर समेत पांच नेतावान के हस्ताक्षर भी मौजूद ने। साबका मंत्री भारत भूषण आश को लुधियाणा सीट के लिए अयोग्य करार इस लैटर दिता गया। लैटर के वायरल होने बाद विधायक तलवार ने सोशल मीडिया से जम के पड़ास कर ली है। उन्होंने इस लैटर पैड का खंडन करते हुए इसको घटिया राजनीति करार दिता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती देखते हुए विरोधी धिर बौखलाहट के आ गया। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप के जाली साइन वाला मेरा जाली लैटर प्रयोग करके जनता को गुमराह करने वाला प्रचार भी कर रहा है। दस दी कि उन्होंने यह भी कहा कि बेहद शर्मनाक अते घटिया किस्म की सोच है। लुधियाणा के सारे नेतावान के साइन है जोड़े कि इस लैटर पैड से नजर आए हैं। दस दी कि उधर ही जेकर टिकट की गल की जाए तो उसने भी उन्होंने अपना बयान जारी किया। उन्होंने यह भी कहा है कि हुण रवनीत सिंह बिट्टू जो कि भाजपा के शामिल हो गए हैं तो विरोधी एक चंगा ते मजबूत उम्मीदवार लियाना सामने चाहिए। उन्होंने उम्मीदवारी का मुकाबला करने के लिए असी एक जट सिख उम्मीदवार या एक प्रमुख राज्य स्तर का हिंदू नेता सामने लियावे। टिकट की दौड़ में सब तो आगे श्री भारत भूषण आशू विरोधी धिर के टिकट से खड़े हो सकते हैं तो रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ चंगा मुकाबला कर सकते हैं। पर इतने भी उन्होंने तंज कसिया। उन्होंने किया कि भारत भूषण आशू बिट्टू के खिलाफ चंगा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भ्रिष्टाचार के आरोपों से चल रहे विजिलेंस से ईडी की जांच से मतदाताओं से भारी प्रभाव पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि साढ़े लिए एक दागी नेता के लिए प्रचार करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। कृपा पार्टी की छवि की रक्षा करने के लिए असी विनम अनुरोध करते हैं कि इससे विचार किया जाए। दस दें कि बीते दिन ही सिमरजीत सिंह बैंस को टिकट देने विचार किया जा रहा है, पर इस दौरान विधायक तलवार ने इसका जम के विरोध भी किया। संजय तलवार की गल की जाए तो वह बीजेपी विच विच आ चुके ने। लुधियाणा तो भाजपा के उम्मीदवार रवनीत बिट्टू के काफ़ी खास भी रहे। रवनीत बिट्टू के भाजपा में आने तो बाद विधायक तलवार के भी भाजपा में आने दी गल्लां सामने आ रही सन, पर उस तो बाद उन्होंने इसते स्पष्ट तौर पर एक बयान जारी किया जिस तो बाद उन्होंने कहा कि वह भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे।